वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हक बादल उप्रेति। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा मैंस के लिए या फिर बॉयज़ के लिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें आपको बताया कि किस तरीके से आपने मसल्स को बिल्ड करना है, किस तरीके से आपने बॉडी बनानी है, किस तरीके से वेट लॉस करना है। बट मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आज, गर्ल्स एंड लेडीज़ के लिए स्पेशली। मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो बनाई नहीं है जिसमें ये हो कि, अब मुझे अक्सर बहुत सारे ऐसे मैसेज इंस्टाग्राम पर आने लगे कि सर गर्ल्स के लिए कोई एक्सरसाइज बताओ या फिर गर्ल्स के लिए कोई ऐसी चीज़ बताओ, डाइट बताओ, जिससे कि हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाए। देखिए, गर्ल्स की दो ही प्रॉब्लम होती है, टॉनिंग और वेट लॉस। वेट लॉस करना है सबसे पहले, उसके बाद टॉनिंग पर काम करना होता है। हर किसी की एक ही प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखिए, गर्ल्स का सबसे पहले जो वेट इंक्रीज़ होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए हिप से, यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी, जो है हिप से स्टार्ट होता है और पूरी बॉडी में जो है वो वेट फैल जाता है। लेकिन मेंस का क्या है, मेंस का यहाँ से बैली फैट यहाँ से स्टार्ट होता है और वो पूरी बॉडी में जो है धीरे 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 बढ़ जाता है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि देखो, गर्ल्स की जो एक्सरसाइज मैंने जिम में देखा है अक्सर कि किस तरीके से गर्ल्स को एक्सरसाइज कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कराने का तरीका गलत है, सबका अलग अलग तरीका है, बट इफ़ेक्टिव कैसे होगा अगर आपको कराना है किसी को, अगर आप ट्रेनर हैं या फिर गर्ल्स हैं, कोई भी अगर देख रही है इस वीडियो को, तो आप किस तरीके से वर्कआउट करोगे उसका मैं आपको तरीका आज बताऊंगा कि कैसे आपने वर्कआउट करना है सो दैट आपका जल्दी से वेट लॉस हो और जल्दी से बॉडी में रिजल्ट आए, आपको जो है आपकी टोनिंग इन द सेंस आपका मसल्स बॉडी में जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए जब भी आप आते हो वार्म अप वगैरह करिए, वार्म अप करने के बाद सबसे पहले आपने ट्रेडमिल कार्डियो से, मेरा कहने का मतलब है कार्डियो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, 10 मिनट ट्रेडमिल पे चलना है। अब ट्रेडमिल पे चलने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं, आप जो है एड़ी का सहारा लेते हैं, बट आपने टॉस का सहारा लेना है हमेशा। जब भी आप चल रहे हो तो टॉस का इस्तेमाल करिए, इससे आपके नी के ऊपर जो है लोड नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले 10 मिनट ये किया, उसके बाद अब ऐसा नहीं कि सारा कार्डियो आपने सबसे पहले ख़त्म कर लिया, नहीं, कार्डियो आप 10 मिनट करने के बाद आपने सबसे पहले वेट ट्रेनिंग में चले जाना है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, पहले आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। वेट ट्रेनिंग में जाएंगे, उसके बाद HIIT ट्रेनिंग, फिर अगेन कार्डियो में फिर आपने ट्रेडमिल नहीं करना, कार्डियो में फिर आप क्रॉस ट्रेनर पर जा सकते हो, साइकिल पर जा सकते हो, फिर अगेन वेट ट्रेनिंग, फिर अगेन आपका HIIT ट्रेनिंग, फिर अगेन आपका कार्डियो। तो कैसे करना है वर्कआउट उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट आपने कार्डियो किया, आइए मोहतरमा इधर आइए हमारे साथ, चलिए लेफ्ट राइट। पाँच किलो का डंबल उठाइए आप। देखिए, सपोज़ आप चेस्ट एक पार्ट को आप ट्रेन करिए एक दिन में, छः दिन आपके पास, छः दिन में आप छः पार्ट को ट्रेन कर सकते हो। सबसे पहले सपोज़ आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस इंक्लाइंड पे। चलिए 1 2 3, देखिए इसके 20 से 25 रेपिटेशन आपके आने चाहिए, हो गया, दैट्स इट। हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है, करके नहीं बताना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आप 2.5 किलो का पकड़िए, उसके बाद आपने चेस्ट प्रेस किया 20 से 25 रेपिटेशन टोटल मैक्सिमम, उसके बाद फ्लाई, 4 सेट का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी बॉडी पार्ट करो, तो 4 सेट का कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप। यस, मूवमेंट का रोल पहले होना चाहिए, अगर आप चेस्ट प्रेस करो तो इस तरीके से यहाँ पर आना चाहिए, इस तरीके से मूवमेंट आएगी जैसे मैडम कर रही है, ये हो गया सेकंड। उसके बाद फिर फ्लैट बेंच पर अगेन 5 किलो का ले लीजिए, फ्लैट बेंच 4 सेट का कॉम्बिनेशन करिए। 4 सेट का कॉम्बिनेशन करोगे तो उसमें बॉडी में टॉनिक पे भी काम होगा आपका, चेस्ट प्रेस सेम वही मूवमेंट आएगी, ऊपर नीचे पूरा लेके आना है। यस, एग्जैक्टली हो गया, दैट्स इट, 4 ये हो गया, 20 रेपिटेशन, 20 से 25 रेपिटेशन, और लास्ट में आपका बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई आपको पता ही है, बटरफ्लाई आपका इक्विपमेंट से आप कर सकते हो, अगर बटरफ्लाई का ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप क्रॉस कर लीजिए। 4 सेट का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, मैक्सिमम रेपिटेशन। अब इसके बाद एक राउंड हो गया आपका, 10 मिनट ट्रेडमिल, उसके बाद आपने 4 सेट इसके कंप्लीट कर लिए, फिर आपने HIIT ट्रेनिंग करनी है। आप बर्फीज़ करिए, बर्फीज़ के मैक्सिमम रेपिटेशन आपने स्टार्ट करने पहले, बर्फीज़, यस,
जितना आप कर सको। इसमें आप पुशअप्स लगाना चाहो तो पुशअप्स भी लगा सकते हो, बट अगर नहीं लगा पाते हो पुशअप्स तो ये भी एक तरीका है, मैक्सिमम 10 से 12 15 आप इसमें लगा सकते हो। एक मिनट होल्ड। अब उसके बाद जंपिंग जैक, 3 या 4 सेट का कॉम्बिनेशन बनाइए अगेन एच आई टी ट्रेनिंग में भी। और अगर आपका देखिए दैट्स इट हो गया, होल्ड होल्ड होल्ड। अगर आपका सपोज कोई ज़्यादा हैवी वेट है, आपका लॉस करना है, आपने आपकी हिप्स ज़्यादा बढ़ी है, लेडीज़ गर्ल्स इनको बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका हिप्स में ज़्यादा फैट है या आपका लेग में ज़्यादा फैट है तो आपने वेटेड स्क्वाट नहीं करना है, आपने पहले फ्री स्क्वाट से स्टार्ट करना है। फ्री स्क्वाट करिए या फिर जंपिंग स्क्वाट, जंप करके स्क्वाट इस तरीके से मार सकते हो आप ऐसे, ये भी एक तरीका है। इसमें एक तरीका मैं आपको और समझा रहा हूँ गाइस, इसकी जब आप नीचे जाते हो पूरा नीचे जाइए आप पूरा ऐसे, उसके बाद ऊपर जब आते हो तो आपने ग्लूट्स को खींचना है इसमें, अगर आप ग्लूट्स खींचोगे नहीं तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया, इसके साथ आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हो या फिर कोई भी एच आई टी ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। ये सारी एक्सरसाइज अगर आपको नहीं पता तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, नहीं पता तो आप कहीं से भी गूगल कर लीजिए एच आई टी ट्रेनिंग करिए, उसमें बहुत सारी वेरिएशन आपको आ जाएंगी, उसमें से कुछ भी आप 4 एक्सरसाइज चूज़ कर लीजिए, इसको कॉम्बिनेशन में लो आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा आपको। अगर आप खाली वेट ट्रेनिंग करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, खाली आप कार्डियो करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपने मिक्स कर देना है इसको सब कुछ। अभी ये हो गया कंप्लीट एच आई टी, उसके बाद अगेन आप क्रॉस ट्रेनर पर चले जाइए 10 मिनट, फिर क्रॉस ट्रेनर, फिर अगेन वेट ट्रेनिंग, फिर अगेन इस तरीके से। तो 4 सेट का कॉम्बिनेशन बना लेना है, इसको 4-4 बार करिए, खत्म खलास। यही है एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है, दिनों के अंदर आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप गर्ल्स लेडीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसमें एक सामने जो है ना सब्सक्राइब बटन है उसको आपने इमीडिएटली प्रेस कर देना है, ये आपका फ़ायदा हो जाएगा, फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है आपको यहाँ पर। और लाइक बटन बेल आइकन को सेट करना मत भूलिए, क्योंकि यही चमत्कार करेगा आपकी ज़िंदगी में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आइए।